नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 24 मार्च शुक्रवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। माधव कॉलेज में एबीवीपी का हंगामा, बैरिगेड्स गिराए, गमले फोड़े। युवा कांग्रेस ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। बाबा महाकाल की शरण में प्रभात झा, किसानों के साथ आई कांग्रेस। 25 तक न्यायालयीन कार्य नहीं करेंगे अभिभाषक। तो ये थी कुछ खास हेडलाइंस, आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनायक फाइनेंस एंड सर्विसेज। माधव कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार दोपहर एबीवीपी ने हंगामा कर दिया। उन्होंने परिसर में लगे बैरिकेड्स को लात मार कर गिरा दिया और गमले भी फोड़ दिए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में निर्माण कार्यों के दौरान पेड़ों की कटाई पर उसकी लकड़ियों को ऊंचे दामों पर बेचना, प्रोफेसर का बर्थडे पार्टी में फिल्मी गीतों पर डांस करना, कर्मचारी द्वारा कॉलेज परिसर में शराबखोरी करना, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं करने जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने प्राचार्य डॉक्टर जी.एल. बर्मैया को ज्ञापन भी सौंपा। इधर प्राचार्य ने शिकायतों को निराधार बताते हुए तोड़ फोड़ करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। आज माधव महाविद्यालय में ज्ञापन दिया गया है, जिसको लेकर जैसे कि कॉलेज में कुछ क्लासों में लाइट वगैरह, पंखे वगैरह ये बंद हैं पूर्ण रूप से, और कॉलेज में कोई सफाई व्यवस्था, कुछ अन्य व्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं। पानी भी बहुत गंदा मिल रहा है बच्चों को, और इसमें प्रिंसिपल सर का किसी भी प्रकार का कोई वो हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। तो बच्चों को स्वच्छ जल के लिए भी उसमें हमने ज्ञापन दिया है। वो कुछ बाहरी छात्रों द्वारा तोड़ा फोड़ी की गई है हमारे छात्रों का, कुछ इसमें प्रिंसिपल ने 7 दिन का कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसमें विद्यार्थी परिषद के थे, अभी चूंकि मैं एक यहाँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हूँ, अभी मैंने देखा नहीं है कि कौन कौन विद्यार्थी महाविद्यालय के थे और कौन जो है वो बाहरी छात्र थे। वो तो सीसी फुटेज देखने से पता चलेगा कि उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कुछ विद्यार्थी जो है बाहर के भी हो सकते हैं, पर अभी इस मामले में कहने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ। राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म होने से नाराज युवा कांग्रेस ने शुक्रवार शाम शहीद पार्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी चोर है के नारे भी लगाए। दरअसल युवा कांग्रेस के मुट्ठी भर कार्यकर्ता प्रदेश में शामिल हुए। शहीद पार्क पर हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी चोर है के नारे लगाए। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है। इसके बाद पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद माधवनगर थाने के सब इंस्पेक्टर ने फल व्यापारी से पानी लिया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पुतला जल चुका था। जिस प्रकार से भारत में ये भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, आज हमने हमारे आरएनडी नेता राहुल गांधी जी, जो कि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो उनकी मोहब्बत की दुकान से कुछ जलनकार इस प्रकार जलन पैदा हो रही है कि उन्होंने आज उनकी सदस्यता भंग कर दी। आज हमने इसी विषय में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव भाई अर्पित यादव के साथ एवं समस्त मित्र मंडली के साथ मिलकर आज हमने पुतला दहन कराए नरेंद्र मोदी का। और मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली में 27 तारीख के दिन संसद घेरने भी आ रहे हैं, ठीक है। और यूथ कांग्रेस की आवाज़ आप चाहे सड़कों से जेल में भर दो या जेल से हमको कहीं भी भेज दो, बट यूथ कांग्रेस की आवाज़ अब दबने नहीं वाले। इधर शाम करीब 6 बजे यूथ कांग्रेस ने देवास गेट से चामुंडा माता चौराहे तक रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रैली पुनः देवास गेट पहुंची, जहां केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। आज राहुल गांधी जी की कुरती ढंग से जो उनके खिलाफ एफआईआर करी गई, उसके बाद कोर्ट से निर्देश दिलाया भाजपा सरकार के द्वारा, और आज उनकी सदस्यता रद्द करी गई। इसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस उज्जैन ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कराया है। यह आक्रोश युवाओं के अंदर फूट रहा है कि हमारे नेता के जो इस जन का, इस भारत का सबसे सच्ची आवाज है, उसके खिलाफ ऐसी सुरक्षित साजिश करी गई है। इसके लिए हमने भाजपा को पुतला जलाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा शुक्रवार को बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा का पूजन अर्चन किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया।
दरअसल इन दिनों श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार दोपहर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में पूजन अर्चन के दौरान प्रभात झा ने न सिर्फ तिलक लगवाया बल्कि पुजारियों को दक्षिणा भी दी। पूजन के बाद नंदी हॉल में ही पुजारियों ने प्रभात झा को संकल्प दिलवाया। इसके बाद वे शक्ति पीठ हरसिद्धि मंदिर पहुंचे और मां के दर्शन किए। चुनावी साल में कांग्रेस अब विपक्ष के रूप में मुखर होती नजर आ रही है। गुरुवार को युवा नीति पर सवाल खड़े कर प्रेस वार्ता लेने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने किसानों की आवाज उठाते हुए प्रदेश में किसानों की स्थिति को दयनीय बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के राज में किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई लेकिन उनका दर्द 100 गुना हो गया है। शुक्रवार शाम श्रीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने प्रेस वार्ता लेकर भाजपा की किसान नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन किसानों का दर्द 100 गुना हो गया। उन्होंने मोदी सरकार पर भी आरोप लगाया कि पिछले 4 साल में केंद्र सरकार ने किसान कल्याण की 78,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च नहीं की। ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के आंकलन के लिए अब शहर कांग्रेस के सदस्य टीम बनाकर पूरे जिले का निरीक्षण करेंगे। सर्वे के बाद सामने आए आंकड़ों को कांग्रेस आला कमान को भेजा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कल जिस प्रकार से युवा नीति इन लोगों ने बनाई उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज किसानों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किसानों को जिस प्रकार से धोखा दिया, किसानों की आज स्थिति पूरे प्रदेश में बद से बदतर है। किसान परेशान है। किसान आज ओलावृष्टि हो चुकी है उसके बाद भी उनको उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। सिर्फ कह देते हैं कि सर्वे करा लो, सर्वे कराने के बाद कुछ किसानों को पैसा दे देते हैं और बाकी किसानों को उनकी राशि नहीं पहुंचती है। उन सभी चीज़ों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये पूरा परिपत्र जो आया था इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने आज उसी के विरोध में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुफ्त उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स और अब गर्मी के मौसम में लुफ्त उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ, तो कोई भी हो ओकेजन हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड ट्रेजर मॉल के सामने महाकाल वाणिज्य उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रोज 25 केस की डे टू डे सुनवाई के विरोध में अभिभाषक गुरुवार से हड़ताल पर है जो 25 मार्च तक न्यायालयीन कार्य से विरत रहेंगे। यह निर्णय मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर लिया गया। 26 मार्च को पुनः साधारण सभा होगी जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल चीफ जस्टिस ने हाल ही में हर कोर्ट में 25 केस लिस्टेड करके उनकी सुनवाई डे टू डे के बेसिस पर करने का आदेश दिया है। 66 दिन के अंदर केस में परिणाम या फैसला देने के बाद भी आदेश में कही गई है। इस आदेश से अभिभाषक परेशान है, इसकी वजह अभिभाषकों के पास समय की कमी होना है। एक दिन में अलग अलग कोर्ट में पेशी होने से अभिभाषकों को काफी दिक्कत आ रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर अभिभाषक गुरुवार को न्यायालयीन कार्य से विरत है। यह हड़ताल 25 मार्च तक जारी रहेगी। हमारा जो विरोध चल रहा है विगत लगभग 3 महीने से हम अभिभाषक गण जो 25 प्रकरणों की सूची माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सभी न्यायालयों को दी गई कि 25-25 प्रकरण अपने सूचीबद्ध करें और उनका निराकरण 3 माह के अंदर
करें जिससे कि अभिभाषकों को बहुत ही असुविधा हो रही है, पक्षकारों को बहुत असुविधा हो रही है। हम निरंतर माननीय उच्च न्यायाधिपति से मांग कर रहे हैं कि अपने उस निर्णय को वापस लें जिसमें हमने पहले भी आंदोलन किए हैं और हम पुनः वापस न्यायिक कार्य से विरत हैं और अभी तक माननीय न्यायाधिपति से कुछ ऐसा पॉजिटिव उत्तर आया नहीं है। तो अब 26 के बाद हम देखेंगे कि इसमें हम आगे क्या करेंगे। उज्जैन जिले में बैंक ऑफ इंडिया के बकायेदारों के लिए आंचलिक कार्यालय द्वारा 25 मार्च को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लीगल सर्विस प्राधिकरण की सहायता से लगाई जा रही इस लोक अदालत में बकायेदार सेटलमेंट कर अपने कर्ज की राशि अदा कर सकते हैं। दरअसल जिला न्यायालय परिसर में डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति से शनिवार को यह स्पेशल लोक अदालत लगाई जा रही है। बैंक के आंचलिक प्रबंधक पीके सिन्हा ने बताया, मार्च माह के चलते क्लोजिंग के समय में बैंक अपने बकायेदारों को एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान कर रही है। लोक अदालत में 20 लाख रुपए तक के लगभग 2300 बकायेदारों के 33 करोड़ राशि के प्रकरण रखे जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट पॉलिसी के तहत लोक अदालत में पहुंचने वाले सभी बकायेदारों को देय राशि में अधिक से अधिक छूट का लाभ दिया जाएगा। तकरीबन 34 करोड़ के खाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने कल ये किया है और तकरीबन हमने 2700 के आसपास नोटिस हमने सर्व करवाए हैं, जिसमें हमारे कोर्ट की तरफ से भी, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी थे उनकी तरफ से भी हमें सहयोग मिला है। उन्होंने भी नोटिस सर्व करने में हमारी बहुत सहायता की है। उनके लिए जो रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक था उसमें भी हमने उनका साथ दिया है, हमने उनको चीज़ को उपलब्ध कराया है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम बैंक ऑफ इंडिया उज्जैन अंचल की तरफ से अपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, आए और जो भी अनावश्यक वो तनाव में रहते हैं ऋण को लेकर, जो ऋण माफी की जितनी भी बात होते रहती है और उनको जो नेक्स्ट को राउंड ऑफ जो लोन उपलब्ध कराने की बात होती है और उनका जो भी खाते खराब रहते हैं उस खाते को कंप्रोमाइज के द्वारा कम से कम अमाउंट में उसको कंप्रोमाइज करके पेमेंट करके फिर से एलिजिबल बोरोअर बन जाए और अपने आर्थिक गतिविधि को बढ़ाते रहे। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीगंज स्थित बीजेपी कार्यालय लोक शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश अटवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बिलोटीपुरा से रामघाट तक महिलाओं ने शुक्रवार शाम फूलपाती चल समारोह निकाला। इसमें ढोल के थापर महिलाएं झूमते हुए चल रही थी। वहीं बच्चों को दूल्हा दुल्हन की वेशभूषा में सजाया गया था। रामघाट पर मोक्ष जायनी मां शिप्रा में जुआरे विसर्जित किए गए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। तो आपने देखा भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।